हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कुमार सॉफ्टवेयर में। आज ये मेरा जावास्क्रिप्ट का सेकंड ट्यूटोरियल है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि हाउ टू इंप्लीमेंट जावास्क्रिप्ट इन एचटीएमएल। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल में इंप्लीमेंट करनी है तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल में इंप्लीमेंट करने का। पहला तरीका होता है इन पेज जावास्क्रिप्ट एंड दूसरा तरीका होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। क्लियर है? तो आप इस दो तरीके से जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो पहले हम लोग देखते हैं कि इन पेज जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे एचटीएमएल में। तो यह इन पेज जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या हुआ कि सपोज जिस पेज में मेरा एचटीएमएल फाइल है वही पे हम जावास्क्रिप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर है? इन पेज जावास्क्रिप्ट का मतलब हुआ कि जिस पेज में मेरा एचटीएमएल फाइल है उसी पेज के अंदर में, उस एचटीएमएल के अंदर में मुझे एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करनी है। क्लियर है? ये हम लोग देखेंगे। तो इसके अंदर भी अगर आप इन पेज जावास्क्रिप्ट फर्स्ट वेज आप यूज करने जा रहे हो तो इसके अंदर भी दो तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट करने का। क्लियर है? अगर आप इन पेज जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो इसके भी दो तरीके होते हैं इंप्लीमेंट करने का। पहला तरीका क्या होता है कि आप ये जो हेड पार्ट है, ये जो हेड पार्ट है अभी मैं यहां से, ये जो आपका हेड पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इस हेड पार्ट के अंदर में भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट वे है आपका कि अगर आप इन पे जावास्क्रिप्ट यूज करने जा रहे हो तो फर्स्ट वे आपका है कि आप हेड के अंदर में जावास्क्रिप्ट का कोड इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इससे पहले मैं ये बता देता हूँ आप लोग को कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोडिंग करनी है, तो आपको ये स्क्रिप्ट टैग यूज करना कंपलसरी है। ठीक है? तो वी कैन से दैट कि आप अगर जावास्क्रिप्ट का कोड इंप्लीमेंट करना चाहते हो एचटीएमएल में तो आपको ये स्क्रिप्ट टैग यूज करना जरूरी है। तो हम लोग इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर में ही हम जावास्क्रिप्ट का कोड इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो आपको स्क्रिप्ट टैग यूज करना ही पड़ेगा अगर आप एचटीएमएल में यूज करना चाहते हो तो। ठीक है? तो मैं इस एचटीएमएल के अंदर में, मैंने हेड के अंदर में, यहाँ पर मैं हेड के अंदर में जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्लियर है? यहाँ पर सपोज मैंने हेलो प्रिंट किया, इसका मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी मैं फर्स्ट वे मेरा क्या है कि आप जावास्क्रिप्ट को हेड के अंदर में, ये मेरा हेड यहाँ ओपन हुआ और ये मेरा हेड यहाँ पे क्लोज हो रहा है। क्लियर है? और ये मेरा स्क्रिप्ट टैग है, ये स्क्रिप्ट ओपन हुआ और ये स्क्रिप्ट क्लोज हुआ। तो स्क्रिप्ट टैग का मतलब क्या होता है कि स्क्रिप्ट टैग रिप्रेजेंट करता है कि आप अगर क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो तो आपको स्क्रिप्ट टैग यूज करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट टैग का यूज क्या है? अगर आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो तो आपको स्क्रिप्ट टैग यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज होता है कि आप कोई भी स्टेटमेंट कंसोल पे प्रिंट करना चाहते हो तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड राइट दोनों कमांड है। तो ये डॉक्यूमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप किस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो, और राइट का यूज होता है कि आप राइटिंग पर्पस के लिए इसका यूज कर रहे हो। यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पर मैंने डबल टैग लिया। ठीक है? अगर आप यहाँ पर सिंगल टैग भी ले सकते हो तो यहाँ भी आपको कंपल्सरी सिंगल ही लेना है। क्लियर है? अगर आप यहाँ पर डबल ले रहे हो तो यहाँ भी आपको डबल ही लेना है। क्लियर है?
और सेमी कॉलम का मतलब क्या हुआ, आपको लास्ट में सेमी कॉलम लिखना जरूरी है। सेमी कॉलम का मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट आपका एंड हो चुका है। अगर आप इस स्टेटमेंट को एंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सेमी कॉलम लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेमी कॉलम रिप्रेजेंट करता है एंड द स्टेटमेंट, क्लियर है। अब ये तो था आपका हेड के अंदर में कैसे मैंने एचटीएमएल को, सॉरी जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट किया। अब सेकंड बेस क्या है कि आप इन पेज के अंदर में आप ये जो जावास्क्रिप्ट है आप इसको बॉडी टैग के अंदर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये आपका बॉडी टैग है, इसके अंदर में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्लियर है। ये आपका बॉडी टैग है, तो बॉडी टैग के अंदर में कहां पर इम्प्लीमेंट करनी है, जैसे ही ये आपका बॉडी टैग, ये आपका जो बॉडी टैग है जैसे ही आपका ये क्लोज हो रहा है, ये आपका बॉडी टैग जैसे ही क्लोज हो रहा है उसके जस्ट ऊपर आपको स्क्रिप्ट टैग लिखनी है। ये स्क्रिप्ट टैग आपको बॉडी टैग जैसे क्लोज होता है उसके जस्ट ऊपर आपको ये स्क्रिप्ट टैग यूज करनी है। मोस्टली सभी डेवलपर इसी वेज को यूज करते हैं, मीन्स सभी डेवलपर मोस्टली यहाँ पर लिखते हैं बॉडी टैग जैसे क्लोज हुआ उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे, क्लियर है। तो इसे बेनिफिट क्या होता है, इसे बेनिफिट क्या है, अब आप बोलोगे कि सभी डेवलपर इस वेज को क्यों यूज करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर में ही जैसे ही बॉडी टैग क्लोज होती है उसके जस्ट ऊपर ही क्यों लिखते हैं, वो लोग हेड के अंदर में क्यों नहीं लिखते। तो इसका रीजन क्या है कि सपोज मान लो कि आपने हेड के अंदर में स्क्रिप्टलेट टैग यूज किया, ठीक है, आप हेड के अंदर में जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हो, तो क्या होता है कि सबसे पहले आपका जावास्क्रिप्ट का कोड लोड होता है, ठीक है, सबसे पहले आपका जावास्क्रिप्ट का कोड लोड होता है। इसमें क्या होता है कि सपोज मान लो कि आपका जावास्क्रिप्ट का कोड हैवी है, बहुत ज्यादा है और हैवी है, तो ये लोड पहले होता है, उसके बाद बॉडी पार्ट में एचटीएमएल कोड रन होता है, लोड होता है, क्लियर है। इसमें क्या होता है कि इसका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए डेवलपर क्या करते हैं कि बॉडी टैग जैसे क्लोज होता है, यहाँ पर जैसे ये बॉडी टैग क्लोज हुआ उसके जस्ट ऊपर एचटीएमएल का जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पर लिखा तो सबसे पहले आपका एचटीएमएल जो बॉडी के अंदर में यहाँ पर एचटीएमएल टैग एचटीएमएल कोड होगा वो पहले लोड होगा, वो एग्जीक्यूट होगा, तो ही आपका जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा, इससे आपका परफॉर्मेंस फास्ट हो जाता है, क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दो वेज मैंने आपको बताया, दो तरीका मैंने जो आपको बताया कि आप हेड में भी जावास्क्रिप्ट का कोड यूज कर सकते हैं और बॉडी के अंदर में जैसे ही बॉडी क्लोज होती है उसके जस्ट ऊपर आप जावास्क्रिप्ट का कोड कर सकते हो, तो इसमें से आपका बेस्ट वे है कि बॉडी के अंदर में जैसे ही जावास्क्रिप्ट का, जैसे ही बॉडी के अंदर में क्लोज होता है वहां पर आप जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, क्लियर है, ये आपका बेस्ट वे है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल में क्या होता है, ये आपका इन पेज है, इन पेज जावास्क्रिप्ट के अंदर में मैंने आपको दो तरीके बताए, पहला कि आप हेड के अंदर में जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो और दूसरा कि बॉडी टैग जैसी क्लोज होती है उसके जस्ट ऊपर आप जावास्क्रिप्ट का कोड यूज कर सकते हो। अब सेकंड आपका है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि आपको एक अलग से फाइल बनानी होती है, सपोज आप, मैंने यहाँ पर डेमो डॉट जेस नाम का एक अलग से फाइल बनाया। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि आप एक अलग से जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाओगे, उस जावास्क्रिप्ट का नेम कुछ भी दे सकते हो लेकिन उसका जो एक्सटेंशन है डॉट जेएस ही होना चाहिए। आप इस जावास्क्रिप्ट का, जो आप अलग से जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाने जा रहे हो उस फाइल का नेम आप कुछ भी दे सकते हो लेकिन आप उस फाइल का जो एक्सटेंशन है वो आपका डॉट जेएस ही होना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने एक डेमो डॉट जेएस का एक अलग से फाइल बनाया और इसके अंदर में मैंने ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, मतलब ये मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, हेलो आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट, ये मैं कंसोल पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मीनिंग क्या हुआ कि आप
कोई भी स्टेटमेंट को कंसोल पे प्रिंट करवाना चाहते हो तो हम जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में आप लॉजिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, क्लियर है। लेकिन अगर आपको लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करनी है तो ये जो टैग होता है, ये जो ये डबल टैग और ये डबल टैग, ये हटाना होता है, क्लियर है। और अगर आपको सेम यही चीज प्रिंट करनी है कंसोल पे तो इसको हम टैग के अंदर में लिखते हैं। यहाँ पर आप सिंगल टैग भी यूज कर सकते हो, बट अभी मैंने यहाँ पर डबल टैग यूज किया। यहाँ पर आपने डबल किया तो यहाँ पर भी आपको कंपलसरी डबल टैग यूज करनी है, क्लियर है। अब दूसरा मैंने एक और फाइल बनाया जिसका नेम है index.html, ठीक है। अब इस index.html के अंदर में मैं ये जो मेरा अलग से जो demo.js फाइल था उसको मुझे index.html के अंदर में कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये देखते हैं। तो आपका जो ये demo.js फाइल है उसको हमें इसमें HTML के अंदर में ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि आप हेड, ये जो हेड टैग ओपन किया, ये हेड टैग क्लोज किया यहाँ पे, तो इसके अंदर में मैंने एक स्क्रिप्ट टैग यूज किया, ओपन किया और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया। ये जो स्क्रिप्ट टैग ओपन किया इसके अंदर में मैं यहाँ पर लिखूंगा src, ये src और स्ट्रिंग के अंदर में, और यहाँ पर मेरा क्या रहेगा, यहाँ पर मेरा ये जो है आपका जो आपने फाइल बनाया था अलग से, जो आपने फाइल बनाया था जावास्क्रिप्ट का, उसको यहाँ पर लिखना होता है src इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर में, यहाँ पर आपको लिखना होता है, क्लियर है। अब मैं यहाँ पर ये भी आपको बता दूं कि अगर आपका ये जो demo.js ये फाइल जो आपने अलग से बनाया था, ये फाइल आप, ये फाइल अगर आपका किसी अलग फोल्डर में है, सपोज मान लो कि ये फाइल मेरा js नाम का एक फोल्डर में है, ये js नाम का एक फोल्डर में मेरा demo.js है, तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना होगा, तो आपको ये index.html दूसरे फाइल में यहाँ पर जो src है यहाँ पर आपको js/ लिखना पड़ेगा और उसके बाद इस फाइल का नेम, क्लियर है। सो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अगर जावास्क्रिप्ट का फाइल इंप्लीमेंट करनी है तो यहाँ पर पाथ देना होता है, उस फाइल का यहाँ पर पाथ देना होता है। अगर जिस फोल्डर में है तो उस फोल्डर का नेम पहले देना होगा, उसके बाद उस फाइल का नेम देना होगा। तो ऐसे हम जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं अनदर फाइल में, HTML में, ठीक है। ये आपका सेकंड वेज था एक्सटर्नल, अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एटम यूज करने वाला हूँ। अगर जिस स्टूडेंट को इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है या फिर उनके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो यहाँ पर आप गूगल पर जाइए, आप गूगल पर यहाँ पर चले जाइए और गूगल पर आपको यहाँ पर लिखना है एटम। जैसे ही इंटर मारोगे आपको ये फर्स्ट लिंक दिख रहा है, एटम फर्स्ट लिंक, इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो मैक डाउनलोड लिखा है, ये मेरा मैक है इसलिए यहाँ पर मैक लिखा, आपका विंडोज होगा तो आपका विंडोज लिखेगा, ठीक है, विंडोज के लिए आप कर लेना। तो यहाँ पर डाउनलोड पर जैसे क्लिक करोगे आपका डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना और उसको इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, डाउनलोड नहीं करूँगा, तो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेना, क्लियर है। जैसे ही आप डाउनलोड हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आप इसको ओपन करोगे, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ओपन किया तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा, आपको इंस्टॉल अ पैकेज दिख रहा है सबको, यहाँ पर इंस्टॉल अ पैकेज पे आपको क्लिक करनी है। जैसे ही आप इंस्टॉल अ पैकेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे दिखेगा आपको ओपन इंस्टॉलर, आपको ओपन इंस्टॉलर पर क्लिक करनी है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सर्च ऑफ पैकेज, इस सर्च पैकेज में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप लिखोगे एटम HTML प्रीव्यूअर, प्रीव्यू एटम HTML प्रीव्यू आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये लिखोगे देखो मेरा नीचे दिख रहा है, ये आपका नीचे आ जाएगा एटम HTML प्रीव्यू,
तो यहाँ पर अभी मेरे पास ये इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पर दिख रहा है अनइंस्टॉल। आपके लैपटॉप पे या पीसी पर इंस्टॉल नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको दिखेगा इंस्टॉल, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो यहाँ पर इंस्टॉल दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। ये आपका कुछ सेकंड्स में इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इसको क्लोज कर दो, ये सबको आप क्लोज कर दो। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये सबको मैंने क्लोज किया। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर ये फाइल दिख रहा है, फाइल पे क्लिक करता हूँ। ये जो न्यू फाइल है इस पे क्लिक करता हूँ और इसको, इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। कंट्रोल एस करोगे आप तो ये फाइल आपका सेव का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर फाइल का नेम मैं देता हूँ index.html। क्लियर है? अब इसको मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ, तो यहाँ पर मैं सेव पे क्लिक किया, ये रिप्लेस कर देता हूँ। आपको रिप्लेस का ऑप्शन नहीं पूछेगा, क्योंकि ये मेरा इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास index.html फाइल था। अब मेरे को यहाँ पर HTML का कोड करनी है। HTML का कोड देखो आ गया ऑलरेडी। तो मैंने फर्स्ट वे में क्या बताया था, इन पेज में मैंने बताया था दो तरीके होते हैं। पहला कि आप हेड के अंदर में आप यूज कर सकते हो, ये टाइटल में मैं जावास्क्रिप्ट लिख देता हूँ। अब टाइटल के नीचे मैं आता हूँ और मैंने बताया कि इन पेज में दो वेज होते हैं, दो तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने का। पहला होता है हेड के अंदर में आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, तो मैं ये हेड है, इस हेड के अंदर में मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखनी है तो कंपलसरी आपको स्क्रिप्ट टैग यूज करना है, आपको इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। क्लियर है? ये आपका स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट के अंदर में मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो ये मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और इसके अंदर में मैं प्रिंट करता हूँ लर्निंग जावास्क्रिप्ट। क्लियर है? यहाँ पर मैं सेमी कोलम देता हूँ। तो आपको मैंने ये बताया था कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज किया जाता है कि अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट कंसोल पे प्रिंट करनी है तो हम ये यूज करते हैं। यहाँ पर सेमी कॉलम इसलिए मैंने दिया ताकि मैं इस स्टेटमेंट को एंड करना चाहता हूँ, तो सेमी कॉलम आपको लिखना जरूरी है अगर आप स्टेटमेंट को एंड करना चाहते हो तो। ठीक है, अदरवाइज आपका एरर आएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ। रन करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो पैकेज है इस पैकेज पे क्लिक करोगे। जैसे इस पैकेज पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा प्रीव्यू HTML। प्रीव्यू HTML पे जैसे कर्सर रखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा इनेबल प्रीव्यू, इस पे आपको क्लिक करना है। चलो देखो मेरा ये आपका मेरा रन हो चुका है। क्लियर है? यहाँ पर आपका आउटपुट आ चुका है, ये मेरा आउटपुट आ गया लर्निंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको सेकंड वे क्या बताया था मैंने कि आप जावास्क्रिप्ट को इस बॉडी के अंदर में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस जावास्क्रिप्ट का जो टैग है इसको हटा देता हूँ। इस बॉडी के अंदर में जैसे ही ये बॉडी क्लोज होती है उसके जस्ट ऊपर मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ लर्निंग लिखता हूँ, ठीक है, लर्निंग JS लिख देता हूँ। तो इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। वैसे ही पैकेज पे क्लिक किया और प्रीव्यू HTML पे कर्सर करो और इनेबल प्रीव्यू पे क्लिक करना। देखो लर्निंग JS मेरा आउटपुट आ गया। क्लियर है? तो ये था आपका इन पेज। अगर आप सपोज मैं यहाँ पर मैं एक और स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ, मान लो कि यहाँ पर लिखता हूँ मैं ये लिखा और यहाँ पर एक और मैं लिख देता हूँ। और सपोज मान लो कि आप ऐसा लिखते हो, इसको सेव किया मैंने, रन किया। अगर मैं रन करता हूँ तो एक लाइन में ही आपका आउटपुट आएगा। क्लियर है? एक लाइन में ही आउटपुट आएगा आपका। देखो लर्निंग JS और लर्निंग JS। मैं चाहता हूँ कि इसको, इस लाइन को ब्रेक करना चाहता हूँ, तो इस लाइन को ब्रेक करने के लिए जावास्क्रिप्ट में आप यहाँ पर लिखोगे ये जो आपका ये है,
इसके अंदर में आप लिखोगे एक टैग के अंदर में br, br का मतलब होता है कि आप जावास्क्रिप्ट टैग जावास्क्रिप्ट को आप ब्रेक करना चाहते हो। अब इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं सेव करने के बाद रन करता हूँ, पैकेज पे क्लिक किया। अब इसको प्रीव्यू एचटीएमएल इनेबल प्रीव्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पर देखो मेरा ये लाइन ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब इसको मैं, ये आपका इन पेज था, ठीक है। इन पेज के अंदर में मैंने दो तरीके बताए। अब हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है कि मैंने बताया था आपको कि एक अलग से फाइल बनानी होती है, तो चलो मैं यहाँ से एक फाइल बना लेता हूँ अलग से, और इस फाइल का नेम दे देता हूँ मैं। इसको कंट्रोल एस करो, सेव करने का पूछेगा। इसको मैंने दिया डेमो डॉट जेएस। मैंने यहाँ पर बोला था कि आप यहाँ पर जो फाइल का नेम दोगे तो डेमो जो है यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो इसका एक्सटेंशन है आपका डॉट जेएस ही होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस इसलिए पूछ रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, डेमो डॉट जेएस नाम का एक अलग से फाइल बनाया, और इसमें जब आप डेमो डॉट जेएस नाम का एक अलग से फाइल बनाओगे तो इसमें आपको जावास्क्रिप्ट टैग लिखने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट टैग कब लिखना होता है, जब आप एचटीएमएल में उस कोड को लिखना चाहते हो। बट अगर आप अलग से जावास्क्रिप्ट का एक फाइल बनाते हो तो उस फाइल को बनाने के लिए आपको यहाँ पे, सपोज अगर आप फाइल बनाते हो तो यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट टैग लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप यहाँ पर डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, क्लियर है। यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट का हेलो लिखा और इसको मैं सेमी कॉलम दिया। इसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस से। अब ये तो मैंने डेमो डॉट जेएस एक अलग से न्यू फाइल बनाया जिसके अंदर में मैंने हेलो प्रिंट किया, हेलो लिखा, और ये मैं कंसोल पे प्रिंट करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट टैग यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जेएस का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इस इंडेक्स एचटीएमएल में। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो डेमो डॉट जेएस फाइल है इसको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा हेड था, ये जो हेड है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ इजी अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए। ये सबको मैं, अब ये जो हेड है इसके अंदर में मैं क्या करता हूँ, ये सब मैं हटा देता हूँ इजी अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए, क्लियर है। इसको मैं स्क्रिप्ट को क्लोज किया। अब ये जो स्क्रिप्ट टैग ओपन किया और ये स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया, तो ये जो स्क्रिप्ट ओपन क्लोज है, ओपन टैग है, उसके अंदर में मेरे को लिखना है एसआरसी। एसआरसी जैसे आप लिखोगे, एसआरसी लिखा और इसके अंदर में पाथ देना होता है। तो अभी तो मेरा ये डेमो डॉट जेएस है, ये डेमो डॉट जेएस को मैं यहाँ पर लिख दूंगा, डेमो डॉट जेएस। अब इसको मैं सेव किया। तो अगर आपका कोई अलग से, आपने कोई अलग से फाइल बनाया है, उस फाइल को अगर आप एचटीएमएल में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर हेड के अंदर में, ये हेड मैंने लिखा, हेड ओपन और यहाँ पर हेड क्लोज, इस हेड के अंदर में मैंने एक स्क्रिप्ट ओपन टैग लिया और इसके अंदर में मैंने लिखा एसआरसी और उसके अंदर में लिखा मैंने डेमो डॉट जेएस, मतलब उस फाइल का नाम जो मैंने जावास्क्रिप्ट के लिए बनाया था, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपका ये जो डेमो डॉट जेएस फाइल है, सपोज ये फाइल आपका किसी दूसरे फोल्डर में है, मान लो कि ये जेएस नाम का फोल्डर में है, ठीक है, तो ये जेएस नाम का फोल्डर में है तो यहाँ पर फुल पाथ देना होता है। सपोज जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखना जेएस स्लैश डेमो डॉट जेएस, क्लियर है। तो अभी तो ये मेरा डेमो डॉट जेएस दूसरे फोल्डर में नहीं है, ये डायरेक्ट ऊपर ही है, तो इसका सिर्फ यहाँ से मैं जेएस स्लैश हटा दूंगा, क्लियर है। अब इसको मैं सेव करता हूँ और रन करके दिखाता हूँ आपको। पैकेज पे क्लिक किया, प्रीव्यू एचटीएमएल इनेबल, देखो हेलो आ गया मेरा आउटपुट। तो ये था आपका एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो ये था आपका एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज करना है मैंने बताया। तो जिस स्टूडेंट को नोट चाहिए तो आप यहाँ से नोट यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपका, आप लोगों के लिए नोट लिख दिया है। जिस स्टूडेंट को नोट चाहिए
आप यहाँ से जितना आज का ट्यूटोरियल्स में जो भी मैंने पढ़ाया उसका नोट्स यहाँ से मैंने लिख दिया है, आप यहाँ से वन बाय वन लिख सकते हो। यहाँ से आप इसका एक बार फिर आप देख लो ऊपर से, जिनको नोट चाहिए आप यहाँ से लिख लेना ये नोट ऊपर से, फिर मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, यहाँ से आप लिख लो। आप वीडियो को पॉज करके आप ये नोट लिख सकते हो यहाँ से। आप लोग यहाँ से लिख सकते हो।